एक्सक्यूज मी, ये अरीबा की ज्वेलरी मैं ले आई हूँ, आप इसे उसको जल्दी तैयार कर दें, हमारी बारात जल्दी आ जाएगी। कौन अरीबा? क्या मतलब कौन अरीबा? वो जो मेरे साथ आई थी उसकी ज्वेलरी नहीं मिल रही थी, मैं वही लेने तो घर गई थी। सॉरी, मुझे तैयार होने में थोड़ा टाइम लग गया, मैंने अरीबा को फोन करके बता दिया था। अच्छा, आप उस फ्राइड की बात कर रही हैं, वो तो आपके जाने के थोड़ी देर बाद ही चली गई थी। चली गई थी? कहाँ चली गई थी? ये तो मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा मुझे मेकअप नहीं करवाना है कि इमरजेंसी हो गई है, इसीलिए वो चली गई, और उनको तो गए हुए तकरीबन एक घंटे से ज्यादा हो गया है। ये आप क्या कह रही हैं? हमारे घर में तो ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं हुई। मुझे उन्होंने जो कहा मैंने आपको बता दिया, मुझे तो वो यही कह कर गई हैं। शाजिया बिना जहां जाती है वहीं रह जाती है, इतनी देर हो रही है, इन लोगों को तो टाइम की कोई कदर ही नहीं है। अरे शाजिया कहां रह गई थी यार? अरीबा कहां है? तैयार हो गई? वसीम, वो पार्लर वाली से कहो कि जल्दी उसे तैयार करे, दो मरतबा मम्मी का फोन आ चुका है, सारे मेहमान हॉल में पहुंच चुके हैं, बारात भी घर से निकल चुकी है। वसीम, वो क्या हुआ, घबरा क्यों रही है? वो अरीबा पार्लर में नहीं है। क्या? अरीबा पार्लर में नहीं है? क्या मतलब, क्या कह रही हो तुम? ये बताओ शाहजहान की माँ, ये सब क्या है? मैंने कहा था कि बारात सादगी के साथ जाएगी, तो फिर ये आतिशबाजी, ये फजूल खर्ची, ये क्या तमाशा लगा रखा है इन्होंने? अरे क्या कह रहे हैं आप, इतना शोर है मुझे सुनाई भी नहीं दे रहा। अरे मैं कह रहा हूँ ये फजूल खर्ची क्यों है, ये आतिशबाजी क्यों की? तो मैं क्या करूँ, मैंने थोड़ी करवाई है, वो तो शाहजहां उसके दोस्तों ने किया है। ओहो, तुम क्यों नहीं समझ रही मेरी बात? अच्छा छोड़े ना, क्या हो गए, खुशी का मौका है, चलें। Thank you.
शुक्रिया बहुत बहुत आने का। बैठिए है ना आप लोग, बैठिए बैठिए और बैठिए बैठिए। आप तो बहन, क्या हुआ, अरिबा अभी तक नहीं आई? हाँ, दरअसल वो ना अपनी ज्वेलरी घर पे भूल गई थी, जिसकी वजह से पार्लर में देर हो गई है। शाजिया आई थी ज्वेलरी लेने के लिए, अभी लेकर गई है वो। इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में आने वाली होगी वो, आप परेशान ना हो, आ जाएगी। अच्छा आप फोन करके पता तो करें कितना टाइम लगेगा, काजी साहब भी आए हुए हैं, हरीबा आ जाए तो निकाह के लिए बिस्मिल्लाह करें। जी जी मैं करती हूँ। जी हरीबा ऐसे कैसे चली गई, ये क्या कह रही है आप, ऐसे कैसे हो सकता है, आप झूठ बोल रही हैं, सच बताएं मेरी बहन कहाँ है। देखिए आप मुझसे इस लहजे में बात नहीं कर सकते, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगी। वसीम मैं बात कर रही हूँ। अरे क्या बात कर रही हो तुम, अरिबा को यहां इन्हीं के पार्लर लेकर आई थी ना, बोलो तो फिर ये इनकी जिम्मेदारी थी, अरिबा यहां से कैसे गायब हो गई। हम अपने कस्टमर को यहां जबरदस्ती नहीं रोक सकते, आपकी बहन ने कहा उनको एक इमरजेंसी है, उनको जल्दी घर जाना है, इसलिए वो चली गई, इसमें हमारा क्या कसूर है। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, हमारे क्लाइंट जब तक यहाँ हमारे पास होते हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब वो यहाँ से चले जाते हैं तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन उसने कुछ तो कहा होगा, वो कहाँ जा रही है, कुछ तो बताया होगा, प्लीज अगर उसने कुछ कहा है तो हमें बताएं। देखिए उन्होंने जो मुझे कहा जो बताया वो मैंने आपको बता दिया, वो कहाँ जा रही है क्यों जा रही है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको फिर भी मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं आपको सीसीटीवी फुटेज दिखा देती हूँ। ठीक है दिखाएं, आइए चलें आइए।